नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जंगली घुमक्कड़ में। और जैसा अभी हमारा फूड वीलॉग चल रहा है, तो हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन आ चुके हैं और यहाँ पर आए हैं जसुबेन शाह। ये ओल्ड पिज़्ज़ा शॉप है और गुज्जू यानी गुजराती स्टाइल में आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं और कैसा स्वाद है और क्या जितना सुना है वितना वर्थ रखता है कि नहीं रखता। चलिए आपको बाहर से दुकान दिखा देता हूँ, ये है। अंदर चलते हैं और बात करते हैं। बिल्कुल बिजी रोड है, आप देख सकते हैं पूरा बिजी रोड है। सो पहले आया था तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सफाई वफाई करनी है और एक घंटा लगेगा। मैं एक और प्लेस जा रहा था पर वो बंद है या पता नहीं क्या, उसका आइडिया नहीं लगा। तो रिटर्न वापस से मैं इस साइड आया और यहाँ पे जब आया तो ये बना रहे थे और मैंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो बोल रहे हैं आधा घंटा और लगेगा। तो मैंने बोला मैं फ्री में थोड़ी ना खाने वाला हूँ, पर अब जाके वो बोल रहे हैं कि देख लीजिए देख लीजिए। परंतु अगर बात करें फर्स्ट इंप्रेशन की, तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा। अगर आपकी किचन ख़राब है और कुछ गड़बड़ी है तो साफ साफ बोलो ना, आप तड़का क्यों रहे। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो सही नहीं रहा, परंतु हाँ टेस्ट कैसा है और वो बता दूँगा, तो आप देख लीजिएगा आना है कि नहीं आना। चीज़ बैग ओके, तो एकदम देसी पिज़्ज़ा है और बिल्कुल अलग स्टाइल में पिज़्ज़ा है आपके। और ये गया ओवन में। इसकी क्या रेट है? इसकी 90 रेट है। तो इनका मेन्यू बता दूँगा क्या क्या मिलता है और क्या क्या आपको रेट मिल जाएगी, तो वो पूरा मेन्यू दे दूँगा। वेट करते हैं पिज़्ज़ा का और फिर टेस्ट बताता हूँ आपको। सो पिज़्ज़ा आ चुका है, मेल्ट वेल्ट करके दिया है। लेट्स सी टेस्ट कैसा है और देखते हैं, आइडिया लग जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्न है देख सकते हैं आप। लुकिंग वाइज तो ठीक ठाक लग रहा है, रेट मालूम नहीं, रेट मैं आपको बता दूंगा या लिख दूंगा नीचे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। सो बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट ने मुझे खुश कर दिया। टेस्ट बहुत अच्छा है और पहला इंप्रेशन मेरा इतना अच्छा नहीं रहा, परंतु हाँ इसको खाने के बाद बोल सकता हूँ कि आप मस्ट विजिट है, अच्छा है, आपको बढ़िया मज़ा आएगा। प्राइसिंग मैं आपको बता दूंगा नीचे लिख दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। बेस बहुत क्रिस्प है, चीज़ बिल्कुल सही साथ डाली है, मसाला एकदम सही है, फ्लेवरफुल है और बहुत ही मज़ा आएगा। तो अगर आप अहमदाबाद या बोल लीजिए कर्णावती आ रहे हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। अब आगे जाएंगे, पहले खा लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं और प्राइसिंग और उसकी भी बात कर लेंगे और बता देंगे आपको। चलिए टेस्ट अच्छा रहा और भैया से बात भी क्लियर कर ली पहले की जो भी हुई, तो उनका भी कहना सही था कि अगर हम दिखाते हैं, थोड़ा खुला ही खुला था और हम आ गए थे तो थोड़ी सफाई वफाई रहनी चाहिए, तो वो चाहते थे। तो चलिए बात क्लियर हुई, बात गई, परंतु टेस्ट बहुत अच्छा है। और अगर आप अहमदाबाद या बोल लीजिए कर्णावती आ रहे हैं तो बोलूँगा कि मस्ट विजिट है, आइए यहाँ पर पिज़्ज़ा खाइए, एकदम देसी स्टाइल में आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। और प्राइसिंग और टाइमिंग देख सकते हैं, रात के 12 बजे तक रहता है और मोबाइल नंबर है। लॉ गार्डन में पहला वॉक करता था, अब नहीं है। ये अम्बावाड़ी है ना? हाँ, ये अम्बावाड़ी में है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत बहुत प्यारा टेस्ट है और जो बेस है वो बहुत क्रिस्पी है। मैं जहाँ पे आया हूँ मैं उसके लोकेशन डिटेल सारी नीचे डाल दूँगा, तो आप इजीली आ सकते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं कहीं और मिलते हैं आपसे आगे। तो आज के लिए इतना ही था, मैं था आपका दोस्त सुरेखा अमन साड़ा। भारत माता की जय, जय श्री शक्ति।